नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिले के ग्राम प्रधानों के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की दी गई विस्तृत जानकारी। वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का 3 मोटरसाइकिल व 1 होंडा एक्टिवा किया बरामद। सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने किया खुलासा। रविवार की रात्रि में गुमशुदा बच्चे को सिकरीगंज पुलिस ने 5 घंटे के अंदर सकुशल किया बरामद। परिजनों को किया सुपुर्द। बच्चों को पाकर परिजनों के खिले चेहरे। दिया पुलिस को धन्यवाद। यातायात पुलिस ने नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ चलाया अभियान। नो पार्किंग में खड़े 4 पहिया वाहनों में लगा रही क्लैपिंग लॉक। वाहनों को निर्धारित पार्किंग में खड़े करने की जा रही है अपील। पिपराइज ब्लॉक के आगेया ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने लगाया चौपाल। कहा, अधिकतर मामले विद्युत जर्जर पोल को बदलवाने, राशन वितरण में घटतौली व शौचालय दिलवाने से आए संबंधित समस्याओं का निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 25,000 के इनामिया अभियुक्त को उरवा बाजार पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध देसी तमंचा व कारतूस किया बरामद। सीओ गोला ने किया खुलासा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के तत्वावधान में हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप जयंती पर एक गोष्ठी का किया गया आयोजन। लिया गया उनसे प्रेरणा लेकर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प। और योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता के प्रति किया गया जागरूक। अब खबरें विस्तार से। योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में सोमवार को जिले के ग्राम प्रधानों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने ग्राम प्रधानों को भारत सरकार के द्वारा चल रही योजना व प्रदेश सरकार के द्वारा चल रही योजना के बारे में विस्तृत में जानकारी दी तथा उन्होंने घरौनी के बारे में भी प्रधानों को बताया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जिले के सभी ग्राम प्रधानों को उनके क्षमता वृद्धि के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा चल रही योजनाओं के बारे में बताया गया है। इसके साथ ग्राम प्रधानों की समस्याओं को भी सुना गया है। उनके समस्याओं को सूचीबद्ध करके हल कराने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि शासन के द्वारा चल रही योजनाओं का गांव के हर तबके तक लाभ पहुंच सके और गांव के विकास को गति मिल सके, जिससे कि सभी लोगों को योजनाओं का लाभ पारदर्शिता पूर्वक मिल सके। वहीं इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा कि गाँव में सीसीटीवी लगाया जाए, क्योंकि सीसीटीवी लगने से गाँव में अपराध पर लगाम लग सकता है और अपराधियों की पहचान की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अधिकतर गाँव में तमंचा पाया जाता है, इसकी आप लोग पुलिस को सूचना दें, जिससे अवैध तमंचा रखने वाले अपराधियों पर रोक लगाया जा सके। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, सीआरओ सुशील कुमार गौड़, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जब ये मैप वन बन जाता है, जब ड्रोन सर्वे कराते हैं तो वो एक मैप बनाता है जो लेखपाल के पास अपने खेत का पूरा गांव का जो नक्शा जाता है और उसमें हर घर का जो जहां पे काबिज है उस घर का आइडेंटिफिकेशन उसमें चिन्हांकन मार करके दिया जाता है। उसमें जिस घर में 2 मंजिला 3 मंजिला है तो उसमें ये भी आइडेंटिफाई होता है कि फर्स्ट फ्लोर पे कौन है, सेकेंड फ्लोर पे कौन है। यदि बंटवारा हुआ है तो उस हिसाब से पूरा आता है। ये मैपॉन लेके लेखपाल और ये आपके ग्राम सेक्रेटरी ये लोग जाते हैं, पड़ताल करते हैं। पड़ताल का मतलब जांच करते हैं उसमें कि हाँ ये जो नक्शा आया हुआ है इस नक्शे के अनुसार इस जगह पे ये अमुक आदमी ही निवास करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वो जब कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होने के बाद उसमें कुछ आपत्तियां भी रहती हैं,
तो लेखपाल लिख लेते हैं कि साहब ये विवादित है, और जो निर्विवाद रहता है तो निर्विवाद तौर को हम लोग भेज देते हैं सर्वे ऑफ इंडिया को पुनः। तो जब सर्वे ऑफ इंडिया को भेजते हैं जो निर्विवादित नक्शे होते हैं, तो वहाँ से फिर हमारा जो है वो 7, 8, 9 और 10 प्रारूप पे सूचना भर के उसको कंप्लीट करके प्रारूप 10 का हम लोग जैसे खतौनी निकालते हैं उसी तरीके से खतौनी निकालते हैं। उसके बाद इसमें जो विवादित होते हैं, विवादित के बाद फिर हम लोग प्रकाशन कराते हैं, प्रकाशन में फिर आपको सूचना जाती है कि सर इसमें ये गलती हुई है, तो उसको सुनने के लिए राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, फिर एसडीएम साहब के स्तर पर सुनवाई होती है, आप लोगों को सुना जाता है। यदि आप लोग एसडीएम लेवल पे भी संतुष्ट नहीं होते, लगता है कि अभी कहीं ना कहीं हमारा हित प्रभावित हो रहा है, तो उसके बाद आप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आप लोग आवेदन करते हैं। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जो निर्णय हो जाता है तो उसके बाद फिर आप लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो निर्णय अंतिम निर्णय होता है। उस निर्णय के बाद आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, वो निर्णय फाइनल निर्णय होता है। तो इस तरीके से जो ये स्वामित्व योजना है, ये स्वामित्व योजना इतनी महत्वपूर्ण है, अभी भी इसको संचालित होने में या प्रतिदिन इसका जो हमारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व परिषद का जो मानक है कि हम एक ड्रोन टीम से एक दिन में कम से कम 8 गांव का सर्वे करें, इसमें हमारे कुछ प्रधान जो कैसे हैं जो जिनके गांव में ये ड्रोन सर्वे का काम हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, जब ग्राउंड वितरण हो जाएगी उसके बाद आपको मिलेगा। अभी माननीय प्रधान राजस्व परिषद से यही पूछा गया था कि इस योजना की सक्सेस स्टोरी क्या है, सफलता की कहानी क्या है, स्वामित्व योजना को संचालित करने में करने का विभिन्न गाँवों में घरौनी का वितरण हो चुका है, अभी हमारे यहाँ केवल सदरमा में ही वितरण हुआ है, और सदर तहसील के साथ जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत है से पूछा गया है, वहाँ आप लोग गाँव में पूछे कि घरौनी वितरण के बाद क्या ऐसे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन थे और इस योजना से कारण आचार संहिता के कारण लंबे समय के बाद हम लोग दोबारा सामूहिक कार्यशाला के माध्यम से अभी समाज स्थापित कर रहे हैं। ये कार्यशालाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है जिसमें आपकी समस्या चाहे वो नीतिगत हो, क्रियान्वयन संबंधित हो, वो हमारे संज्ञान में प्रशासन शासन के संज्ञान में ला पाएंगे। दूसरा जो क्षमता वृद्धि की का सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा और अगले पड़ाव तक पहुंचेगा। बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में आपको केंद्रीय भूमिका के रूप में वहां नेतृत्व प्रदान करने के लिए पद ग्रहण हुआ है, लेकिन नेतृत्व कोई ऐसा पद स्थापित करने का काम नहीं है, नेतृत्व तो करनी है। एक असली नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कभी अपने चेलों को सृजित नहीं करता, दूसरों में नेतृत्व क्षमता सृजित करते हैं वो, एक लीडर दूसरे लीडर्स को क्रिएट करता है, फॉलोअर्स को क्रिएट नहीं करता है, वो क्षमता आप सब में है। मैंने बहुत पिछले कुछ महीनों से आपसे इंटरेक्शन में आपके आपके सफलता की कहानियों में जो हम सबको प्रेरित कर चुकी है, ऐसे क्रियान्वयन में हमने देखा है कि आप सभी नेतृत्व देने की क्षमता रखते हैं और आपके द्वारा जो परिकल्पना और एक विजन बनाया अपने गांव के लिए उसको साकार करने के लिए जिला प्रशासन आपके साथ खड़ा रहेगा। आज हर एक घटक में जब चर्चा होगी तो हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पहला राजस्व का पार्ट आया है, सबसे पहले काम हम अगले 10 दिन में ये करेंगे राजस्व में कि जितने भी अविवादित विरासत हैं, दाखिल कारित लंबित हैं, अमल दरामद पेंडिंग है, जिसमें कतौनी की नई कॉपी भी वितरण करना है। अपने गांव के बारे में बता दूं सर, लगभग 15,000 से ऊपर की आबादी का गांव है। सीडीओ सर मेरे गांव गए हुए हैं, डीपीआरओ सर भी गए हुए हैं, तो सर वहां पे शौचालय बनवाना एक बहुत बड़ा टास्क था। नेशनल हाईवे बन रहा है, सबसे हाईएस्ट सर्किल रेट अगर किसी भी ग्राम पंचायत का है तो वो मेरे गांव का है, हाटा बाजार का है, हाटा बुजुर्ग, सबसे हाईएस्ट सर्किल रेट सर। अगर किसी मतलब लोग घनी आबादी क्षेत्र सर, लोगों के पास मतलब अपना घर तो बना लेके वो बना लेते हैं लेकिन वहां सोच नहीं है और शौचालय जमीन ही नहीं है, बोलते हैं हम कैसे बनवा सकते हैं। जिलाधिकारी महोदय और विकास मुख्य विकास अधिकारी महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि इस फोरम में आप लोगों से मैं रूबरू हो सकूं। अब जब भी मुझे मौका मिलता है मुझे काफ़ी इच्छा होती है कि मैं ग्राम के प्रधानों से बात करूं, क्योंकि
हम और आप सभी जानते हैं कि गांव एक मूल इकाई है और लोकतंत्र में सबसे जो बेसिक और मूल इकाई है वो गांव का ही रूप होता है। हमारे 73वें या 74वें अमेंडमेंट के बाद आपको कई अधिकार मिले और लोकतंत्र की जो सबसे मूल इकाई जो गांव प्रधान होता है वहां से एक लोकतंत्र शुरू होती है हमारे देश में। करीब 6.5 लाख से प्लस गाँव अभी हैं पूरे देश में और वहाँ सभी लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में और भारत एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक नेशन इसलिए भी बना, मजबूत लोकतंत्र इसलिए भी बन पाया क्योंकि हमारी त्रिस्तरीय जो लोकतंत्रीय व्यवस्था है जहाँ गांव प्रधान है, जिला पंचायत है और स्टेट और नेशनल असेंबलीज हैं, वहाँ लोग इलेक्ट होके आते हैं और चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्णय का ही पालन सरकार की विभिन्न एजेंसियाँ करती हैं। इसलिए आप जो है अपने गांव में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान और रोल होता है। आप पूरे गांव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता ने आपको चुना है, आपको एक मैंडेट दिया है। पिछली बार भी हम लोग मिले थे और ये मौका आया तो मैंने सोचा पुनः आपसे एक बार वार्ता करें। अभी बहुत अच्छा लग रहा था, अभी जब हम सीनियर साहब से बात भी कर रहे थे अभी हमारे आटा बुजुर्ग के प्रधान बता रहे थे कि किस प्रकार से वहाँ काम अच्छे हुए हैं। तो ये जो अच्छे काम होते हैं आदमी मोटिवेट होता है, आपको एक जो मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है और ये जो अच्छा काम है आप सभी लोग कर सकते हैं। आप ही लोगों से जो अच्छे गांव चुने जाते हैं उनको प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से सम्मानित भी करते हैं। वार्षिक प्रयास करें कि वो सम्मान आप में से हर आदमी प्राप्त करें। जो एक कुछ बातें हैं जो मैं अब आपसे करूँगा जो मुख्यतः कानून व्यवस्था और अपराध से जुड़ी हुई होती है। आप अपराध नियंत्रण में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ बेसिक सूचनाएं इकाइयां होती है जैसे गांव है, हमारे लिए भी गांव बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने हर गांव में एक अधिकारी नियुक्त किया है। पहले जब मैं आया था तो राजस्व विभाग की बड़ी ही सुदृढ़ व्यवस्था होती है, लेखपाल को सभी जानते हैं, लेखपाल उस गांव के सारे राजस्व इलाकों का करता धरता होता है, उसको सुरक्षित रखता है, उस पर निर्णय लेने के लिए सक्षम अधिकारी भी होता है। बट पुलिस के अंदर में वो व्यवस्था उतनी अच्छी सुदृढ़ नहीं रही है। पिछले साल भर से हम लोगों ने कोशिश किया है कि हम लोगों ने एक अधिकारी दें जो एक पीठ पुलिस ऑफिसर के रूप में जाना जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पीठ पुलिस ऑफिसर्स ने कॉन्टैक्ट किया होगा, आपसे संपर्क हो गया। से जरा हाथ उठाइए जो अपने गांव के पीठ पुलिस अफसरों को जानते हैं, वो लोग हाथ उठाइए कि हाँ साहब हमारे पीठ पुलिस अफसर को हम जानते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे सभी सम्मानित ग्राम प्रधानों को और ब्लॉक के सभी अधिकारी और जिले के ग्राम विकास से जुड़े हुए अन्य विभागों के जुड़े हुए अधिकारीगण प्रधानों की क्षमता वृद्धि के लिए, उनको विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के बारीकियों को बताने के लिए आज ये कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है और उनकी समस्याओं को भी यहाँ पे प्राप्त करके सूचीबद्ध करके हल कराने के लिए है। खुलकर चर्चा हो रही है, अच्छी चर्चाएं हो रही हैं, विश्लेषण हो रहा है ताकि हमारे विभिन्न शासनीय की योजनाओं को क्रियान्वयन में और गति मिल सके और वहाँ पारदर्शितापूर्वक गुणवत्तापूर्वक उनको क्रियान्वयन कर सके। कैंट पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जिसके संबंध में सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्त को कारमल तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया है जिसकी पहचान सोनू कुमार डोम पुत्र मिंटू डोम निवासी एक्सीडेंटल अस्पताल के बगल झोपड़पट्टी थाना कैंट जनपद गोरखपुर, दूसरा अविनाश कुमार डोम पुत्र रविन्द्र डोम निवासी एक्सीडेंटल अस्पताल के बगल झोपड़पट्टी थाना कैंट जनपद गोरखपुर, तीसरा सुहेल हाशमी पुत्र मोहम्मद इस्लाम हाशमी निवासी इलाहीबाग बहरामपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर, हाल पता अजय नगर इमामबाड़ा थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है जिनके पास से चोरी की 3 मोटरसाइकिल व 1 स्कूटी होंडा एक्टिवा बरामद किया गया है। सीओ कैंट ने बताया कि 8 मई को थाना कैंट पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर कैंट पुलिस द्वारा कारमल रोड पर अभियुक्तों को रोककर पूछताछ किया गया। पकड़े गए तीनों लड़कों से उनके पास मौजूद बजाज पल्सर का कागजात के बारे में पूछा गया तो उन लोगों द्वारा बताया गया कि हम लोग शहर के भिन्न भिन्न स्थानों से गाड़ियां चोरी करते हैं एवं एक्सीडेंटल अस्पताल के बगल झोपड़पट्टी के पीछे छिपा देते हैं। ग्राहकों के मिलने पर गाड़ियों को वहां से निकाल कर बेच देते हैं तथा बेचने से मिले पैसों को आपस में बांट लेते हैं एवं अपने शौक को पूरा करते हैं।
इस पल्सर गाड़ी को हम तीनों लोगों ने बहराम नगर करजहां से लगभग एक माह पहले चोरी किया था एवं हम लोगों ने एक्सीडेंटल अस्पताल के बगल झोपड़पट्टी के पीछे तीन और चोरी की मोटरसाइकिलों को छिपा कर रखे हैं, जिस पर पुलिस द्वारा अभियुक्तों की निशानदेही पर एक्सीडेंटल अस्पताल के बगल झोपड़पट्टी के पीछे कपड़े से ढकी हुई दो मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर, एक हीरो HF डीलक्स तथा स्कूटी होंडा एक्टिवा रंग काला को बरामद किया गया। चोरी की बरामद शुदा गाड़ियों के वाहन स्वामियों की व इसके संबंध में पंजीकृत अभियोगों के बारे में जानकारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि तीनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक संजय कुमार गुप्ता, कांस्टेबल ओम प्रकाश यादव, प्रेम बहादुर सिंह, राजेश सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CEO कैंट श्यामदेव बिंद ने कहा, ये SHO कैंट वन की टीम द्वारा एक चोरों के गैंग को पकड़ा गया है बीती रात्रि में, जिसमें तीन उनके सदस्य इस गैंग के गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक का नाम है सोनू कुमार डोंग, दूसरा है अविनाश कुमार डोंग और तीसरा है सुहेल आसमी, जिसमें से दो थाना कैंट के ही रहने वाले हैं और तीसरा जो तिवारीपुर थाने का रहने वाला है। ये बेसिकली मोटरसाइकिल की चोरी करते हैं और कभी कभी ये बैग वगैरह भी छीन कर भागते हैं, जिसमें से सोनू कुमार डोम पहले भी लूट के एक मुकदमे में जेल जा चुका है। ये इनके पास से चोरी की चार दोपहिया गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिसमें से एक थाना खोराबार से चोरी हुई थी, वहाँ मुकदमा पंजीकृत है। एक बेतियाता थाना कैंट में चोरी हुई थी, पंजीकृत है। बाकी दो मोटरसाइकिल के विषय में भी तस्दीक किया जा रहा है। अभी तो इनके पास से बरामद हो गई जो इन्होंने चोरी की है। अभी कहाँ बेचते हैं इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया है, पूछताछ चल रही है। अब ये जैसे एक तो इन्होंने बेतियाता से चोरी की है, एक खोराबार में इन्होंने वहाँ से चोरी की है। इस तरह से इन्होंने चौराहे तिराहे मार्केट जहाँ भी गाड़ियाँ इनको मिल जाती थी उसको चेक करते थे, अगर खुली है उसको चोरी कर लेते थे। अभी तो तीन लोग अरेस्ट हुए हैं इसमें और इनके सदस्यों को पता लगाया जा रहा है, पूछताछ चल रही है अभी। सिकरीगंज पुलिस ने रविवार की रात्रि में गुमशुदा बच्चे को 5 घंटे के अंदर सकुशल बरामद किया है, जिसके संबंध में SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कल रात में सिकरीगंज पुलिस को फोन पर एक सूचना मिली कि 8 वर्ष का बच्चा कहीं गायब हो गया है। पुलिस को सूचना परिजनों ने कई घंटों के बाद बच्चे को ढूंढने के बाद दी थी, जिस पर तत्परता दिखाते हुए थानाध्यक्ष अपने टीम के साथ बच्चे को खोजने के लिए निकल गए तथा काफी परिजनों के साथ खोजबीन के बाद बच्चे को उसके घर से 2 किलोमीटर के अंदर केले के पेड़ के पास से बरामद किया गया, जो कि सोया था और ठीक था, जिसकी पहचान रियांश पुत्र गुड्डू निवासी सतारा मोहन थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। उसके बाद बच्चे को परिजनों को सुपुर्द किया गया, जिस पर परिजनों द्वारा काफी प्रसन्नता व्यक्त की गई तथा पुलिस टीम की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, क्या नाम है? अरे वेरी गुड, तो बढ़िया, बहुत चंचल लड़का है। बच्चे को बरामद किया क्या? कल रात में सिकरीगंज पुलिस को एक सूचना मिली कि 8 वर्ष का बच्चा शाम को 6:30 बजे के बाद गायब हो गया है। पुलिस को ये सूचना उन लोगों ने काफ़ी ढूंढने के बाद कई घंटे बाद दी थी।
हल्का प्रभारी, थाना प्रभारी और क्षेत्र अधिकारी, तीनों के नेतृत्व में ग्रामवासी और परिवार के लोगों को लेकर के रात में ही बच्चे को तलाशने की प्रक्रिया शुरू हुई और लगभग 1 से 1.5 घंटे के प्रयास के बाद बच्चा अपने घर से 1.5 किलोमीटर दूर रास्ते के किनारे कुछ केले लगे हुए उन्हीं के पास सोया मिल गया। सकुशल बच्चा बरामद हुआ, परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। तत्काल पुलिस के प्रयास से एक बिल्कुल कह लीजिए नौनिहाल उसकी माँ बाप को मिल गया, जिससे वो भी अपनी परेशानी से मुक्त हो गए। यातायात पुलिस ने सोमवार को नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान यातायात पुलिस ने सोमवार को शाम के समय में भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में गोलघर एवं कचहरी क्षेत्र में नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ क्लैपिंग की कार्रवाई की। इसके संबंध में दूरभाष पर बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह ने बताया कि जनपद में यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए 400 क्लैपिंग मनाया गया है, जिसका उपयोग नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वह निर्धारित पार्किंग में ही अपने वाहन को खड़ा करें, जिससे कि आने जाने वाले नागरिकों को किसी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े और यातायात सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने कहा कि यातायात के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए यातायात पुलिस बसों व विद्यालयों में जाकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह ने कहा, हमने गोरखपुर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ कराने के लिए ITMS के साथ साथ शहर के विभिन्न भीड़भाड़ वाले व्यस्त मार्गों पर जहां पर लोग अनऑथराइज रूप से गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिसमें कि यातायात बाधित होता है, उसके लिए 400 क्लैंप्स मंगवाए गए हैं। उन क्लैंप्स के लिए हमारी टीम जा के सभी भीड़ वाले स्थानों पर अनऑथराइज रूप से खड़ी हुई गाड़ियों में लगाएगी और साथ ही मौके पर जुर्माना वसूल करेंगे। और इस प्रकार से लोगों के लिए हम एक संदेश और देना चाह रहे हैं और जनता से ये अनुरोध है कि शहर के जो चिन्हित पार्किंग स्थल हैं, जैसे कि गोलघर में मल्टी लेवल पार्किंग है, सिटी मॉल के सामने है, तो ऐसी निर्धारित जगह पर ही अपने वाहनों को पार्किंग करें, उसके बाद अपनी खरीदारी करें, घूमें, जिससे आम जनता के लिए कोई असुविधा ना हो। धन्यवाद। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिले के ग्राम प्रधानों के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की दी गई विस्तृत जानकारी। वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का 3 मोटरसाइकिल व 1 होंडा एक्टिवा किया बरामद। सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने किया खुलासा। रविवार की रात्रि में गुमशुदा बच्चे को सिकरीगंज पुलिस ने 5 घंटे के अंदर सकुशल किया बरामद। परिजनों को किया सुपुर्द। बच्चों को पाकर परिजनों के खिले चेहरे। दिया पुलिस को धन्यवाद। यातायात पुलिस ने नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ चलाया अभियान। नो पार्किंग में खड़े 4 पहिया वाहनों में लगा रही क्लैपिंग लॉक। वाहनों को निर्धारित पार्किंग में खड़े करने की जा रही है अपील। प्राइस ब्लॉक के आगेया ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में ADM सिटी विनीत कुमार सिंह ने लगाया चौपाल। कहा, अधिकतर मामले विद्युत जर्जर पोल को बदलवाने, राशन वितरण में घटतौली व शौचालय दिलवाने से आए संबंधित समस्याओं का निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। गैंग
गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 25,000 के इनामिया अभियुक्त को उरवा बाजार पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध देसी तमंचा व कारतूस किया बरामद। सीओ गोला ने किया खुलासा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के तत्वावधान में हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप जयंती पर एक गोष्ठी का किया गया आयोजन। लिया गया उनसे प्रेरणा लेकर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प। और योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता के प्रति किया गया जागरूक। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह के द्वारा सोमवार को पिपराइज ब्लॉक के अगया ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में चौपाल लगाया गया, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि चौपाल में गांव में लो वोल्टेज व बिजली का बिल समय से ना जमा करना, विद्युत पोल लगवाने, जर्जर विद्युत तार को बदलवाने से संबंधित मामले आए, जिसको देखते हुए विद्युत विभाग को समस्याओं का निस्तारण के लिए निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कोटेदार राशन वितरण में घटतौली व समय से राशन नहीं देता है, जिसको देखते हुए जिनके पास ट्रैक्टर, ट्रॉली, चार पहिया वाहन, असलाहा का लाइसेंस या एयर कंडीशन लगा हुआ है, ऐसे लोग अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा शौचालय की मांग भी की गई है, जिस पर बीडीओ को नोट कराया गया है कि पात्र व्यक्ति को शौचालय दिलवाया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जिन गांव में जिलाधिकारी महोदय द्वारा और मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में चौपाल लगाई जा चुकी है, वहां पर जो कतिपय निर्देश आपके द्वारा दिए गए थे उनका अनुपालन हुआ, गांव में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, विकास कार्यों को परखने के लिए विभिन्न गाँव में हम लोगों के द्वारा चौपाल लगाया जा रहा है, जिसमें आज अगया ग्राम पंचायत जो कि पिपराइज विकासखंड में पड़ता है उसमें मेरे द्वारा चौपाल लगाया गया था।
और वहाँ पर सड़क का निर्माण का कार्य हो रहा है, उसकी जांच की गई। इसके अतिरिक्त गांव में अन्य जो विकास कार्य हो रहे हैं मनरेगा के थ्रू, जो गांव की सभी गलियों को पक्का करने का कार्य किया जा रहा है, नाली का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, उन सभी चीज़ों की जांच की गई, गांव वालों की शिकायतें भी सुनी गई। इसके अतिरिक्त जो हमारी विभिन्न योजनाएँ चल रही हैं विभिन्न विभागों की सरकारी, जिसमें लाभार्थी वर्ग योजनाएँ हैं, पेंशन की हो गई या किसान सम्मान निधि हो गया, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जो योजनाएं चल रही हैं, राष्ट्रीय आजीविका मिशन की योजनाएं चल रही, उन सब के बारे में विस्तार से और जानकारी भी दी गई लोगों को, और काफ़ी सार्थक चौपाल रही और सकारात्मक रूप से सभी लोगों ने प्रतिभाग किया। और हम उम्मीद करते हैं कि आज की चौपाल से लोग लाभान्वित होंगे और सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करेंगे। ज़्यादातर किस मामले आए? सभी योजनाओं के मामले आए थे और ज़्यादातर पेंशन के संबंध में लोगों ने अपने बताया कि हम लोग पात्र हैं, पात्रता की श्रेणी में उनको फार्म भर के पेंशन प्रदान करने के लिए कहा गया, तो उनको कहा गया कि आप ऑनलाइन आवेदन होता है, ऑनलाइन आवेदन करिए और वहाँ के ग्राम विकास अधिकारी उसका सत्यापन करेंगे और पात्रता के जांच करके जो भी पात्र व्यक्ति होंगे उनका पेंशन स्वीकृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड को लेकर भी कुछ लोगों ने शिकायतें की थी कि उनके राशन कार्ड में नाम नहीं है, उनके परिवार के किसी यूनिट को छूट गया है, तो उन सभी को बढ़वाया जाएगा। उसके लिए निर्धारित जिस निश्चित डेट निर्धारित की गई है, उस दिन सप्लाई इंस्पेक्टर और पूर्ति विभाग के अन्य कर्मचारी जाकर बैठेंगे गाँव में और लोगों का राशन कार्ड में नाम जोड़ने का कार्य करेंगे। उरवा बाजार पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 25,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में सीओ गोला जगत राम कन्नौजिया ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को तरैना पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान इजहार अंसारी पुत्र मुख्तार अंसारी निवासी राजगढ़ थाना गोला जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक देसी तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में उरवा बाजार थाना प्रभारी अजय कुमार मौर्य, वरिष्ठ उप निरीक्षक रवि सेन यादव, हेड कांस्टेबल अनिल सिंह, कांस्टेबल अनीश यादव, धर्मेंद्र कुमार यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ गोला जगत राम कन्नौजिया ने कहा, गोला थाना गोला में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 160/21 में वांछित अभियुक्त इजहार, पिताजी का नाम मुख्तार अंसारी, जो काफ़ी दिनों से वांछित चल रहा था, 25,000 का इनामी भी है, उसी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी हुई है, पकड़ा गया। इसके पास से एक अदद 315 वर्ग कट्टा और कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार टीम में हमारी थाने के इंस्पेक्टर साहब श्री मौर्या जी और एसआई रवि सेन तथा थाने के अन्य कर्मचारी से सम्मिलित थे। इसके खिलाफ 6 मुकदमे पंजीकृत हैं, लूट के, चोरी के, इस तरह के 6 मुकदमे पंजीकृत हैं विभिन्न थानों में। ये करीब 1 साल से ऊपर हो गए फरारी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के तत्वावधान में हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर मंगला माता मंदिर बेतिहाता स्थित महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पूर्व प्रधानाचार्य एवं प्रभारी रामजन्म सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप अपने जीवन में कष्ट सहकर अपना कार्य किए, मखमल के बिस्तर को छोड़ करके घास पर सोए, सोने के बर्तनों की जगह पत्थर पर खाना स्वीकार किया और अपने देश व स्वदेश की रक्षा किया।
इस अवसर पर वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के पूर्व कुलपति उदय प्रताप सिंह, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर हरिशरण सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह एवं महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पूर्व प्रधानाचार्य एवं प्रभारी रामचंद्र सिंह ने कहा, जयंती कार्यक्रम आज के दिन उनका जन्मदिन है तो उनकी जयंती के अवसर पर हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से। मैं रामजन्म सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य महाराणा प्रताप कॉलेज और इसका संस्थापक, इसका मैं प्रभारी हूँ कॉलेज का, इस कॉलेज का। देखिए, आज महाराणा प्रताप की जयंती है, वो जयंती समारोह हम प्रतिवर्ष मनाते हैं, आज भी मनाया जा रहा है। चूँकि ये विद्यालय और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद महाराणा प्रताप के नाम पर ही है, इसलिए हर वर्ष 9 मई को हम ये कार्यक्रम मनाते हैं। आवश्यकता ये इसलिए है कि महाराणा प्रताप ने कष्ट सह के अधीनता स्वीकार नहीं किया और सोने और के पलंग और मखमली गद्दों को छोड़ के घास की जमीन पर घाटियों में सोना बर्दाश्त किया, पत्थरों पर खाना स्वीकार किया सोने के बर्तनों की जगह, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। और ये अधीनता न स्वीकार करके उन्होंने अपने धर्म, अपने स्वदेश की रक्षा किया। ये बहुत बड़ी चीज़ रही जिसकी आज ज़रूरत महसूस कर रहे हैं हम लोग भी। तो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, जिसके अंदर गोरखनाथ मंदिर के पूज्य महंत जी के देख रेख में 46 संस्थाएँ इसमें चल रही हैं, उन सभी का यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया। सब विद्यालय अपना कार्यक्रम दिन में किए होंगे, यहाँ पर शिक्षा परिषद की ओर से कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम की ओर से हम बताना चाहते हैं कि बूंदी, जैसलमेर, अनेक रजवाड़े फूल बताशा और मलाई खाने के नाम पर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिए, अपनी अस्मिता को ख़त्म कर दिए। राणा प्रताप के बच्चे जिनके हाथ की रोटी छीन लिया बिलाव ने, जो संधि पत्र लिखने के लिए सोच लिए कि मैं लिख दूंगा, मेरे बच्चे भूख मर रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी, ये भी ध्यान हमको देना आज के दिन, उनके पत्नी का भी हम पोषण करते हैं, जिन्होंने कहा था कि यदि तू ही कायर बनकर बैरी से संधि करेगा तो भला कौन भारत का बोझा माथे पर लेगा। लुट गए लाल गोंदी के तेरे अनुगामी होकर, कितनी विधवाएँ रोती अपने प्रियतम को। 19 जून 1576 को जब हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, 20,000 सैनिकों के महाराणा प्रताप घाटी में उतर गए थे, 80,000
सैनिक मुगलों के साथ थे, तोपें थीं और उसमें अपने को स्वाह कर दी 11 बजते बढ़ते युद्ध, लेकिन इन्होंने स्वाधीनता स्वीकार नहीं की और अंत में सारा प्रदेश जो पहले माणा प्रताप के पूर्वजों का था उनके सीमा में आ गया, वो जीत लिए सारे सूर्यों को। योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षा गृह में सोमवार को नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि लोगों को स्वच्छता के प्रति विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है और खुद कुछ अधिकारी इसमें लगे हुए हैं, जिससे कि स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा, लोगों में जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, काशी के 80 घाट से लेके नमो घाट तक और फिर बनारस के कई गरीब मोहल्लों और गांव और स्कूलों में ये सांस्कृतिक जन जागरण यात्रा जो की साफ सफाई स्वच्छता के संदेश गीत संगीत नाटक के माध्यम से जन जन तक साझा कर रही है। हम लोग शुरू करते हैं जय गीत से।
खेले कूदे बने आज्ञाकारी, पर एक कमी थी उन हाथों में और कमी थी भारी। अरे माए बापू सवै सिखाए नहीं सिखाए साफ सफाई, और साफ सफाई छूट गई तो मुश्किल हुई हजार। या तो सब कामनाएं दुश्मन बने हजार। है, है, क्या कहा क्या कहा दुश्मन? हाँ। अरे कैसे दुश्मन भैया, और कौन सी दुश्मनी? हाँ दुश्मन भैया, अब हम करेंगे मतलब की बात। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और मेरी बनी मैं हूं कीटाणुओं का बाप, इस समय की सबसे बड़ी महामारी। आओ आई बार गली मिलते, मैं उन लोगों से गले मिलता हूं जो लापरवाह रहते। इसमें देखे कौन कौन लापरवाह है। अरे अरे अरे, अरे। अब क्या होना है? होना क्या भैया, तन मन सब खोना चाहिए। अरे परिवार में हर पल रोना धोना ही था। जैसे विभिन्न माध्यमों से हम लोग क्षमता वृद्धि कर रहे हैं, कुछ प्रधान जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं उनके प्रस्तुतिकरण हो रहे हैं, उनका सम्मान भी हो रहा है, और साथ साथ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता और अन्य बिंदुओं के बारे में भी उनको जागरूक किया जा रहा है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिले के ग्राम प्रधानों के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की दी गई विस्तृत जानकारी। वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का 3 मोटरसाइकिल व 1 होंडा एक्टिवा किया बरामद। सीओ कैंट श्याम देव बिंद ने किया खुलासा। रविवार की रात्रि में गुमशुदा बच्चे को सिकरीगंज पुलिस ने 5 घंटे के अंदर सकुशल किया बरामद। परिजनों को किया सुपुर्द। बच्चों को पाकर परिजनों के खिले चेहरे। दिया पुलिस को धन्यवाद। यातायात पुलिस ने नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ चलाया अभियान। नो पार्किंग में खड़े 4 पहिया वाहनों में लगा रही क्लैपिंग लॉक। वाहनों को निर्धारित पार्किंग में खड़े करने की जा रही है अपील। प्राइस ब्लॉक के आगेया ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने लगाया चौपाल। कहा अधिकतर मामले विद्युत जर्जर पोल को बदलवाने, राशन वितरण में घटतौली व शौचालय दिलवाने से आए संबंधित समस्याओं का निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 25,000 के इनामिया अभियुक्त को उरवा बाजार पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध देसी तमंचा व कारतूस किया बरामद। सीओ गोला ने किया खुलासा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के तत्वावधान में हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप जयंती पर एक गोष्ठी का किया गया आयोजन। लिया गया उनसे प्रेरणा लेकर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प। और योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता के प्रति किया गया जागरूक। अब मुझे दे इजाजत। नमस्कार।